What's up? Welcome back to my channel. And today's video, I'm in Hyderabad. I'm shooting a lot of videos in Hyderabad. So this one is at Mandi 36. So basically, earlier I thought ki mandi ka matlab to wo hota jo sabzi mandi hoti hai. Par idhar kafi alag hai. Idhar jo hai mandi nahi, it's mandi. तो मंदी जो है एक अरेबियन डिश है, अरेबियन कुजीन. तो इसमें मुझे बहुत बड़ी थाली में बहुत सारे नॉट बिरयानी बट राइस एंड चिकन एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल बी सर्व. पर मैं सोच रही हूँ मैं तो चिकन इतना खा चुकी हूँ, व्हाई नॉट टेक मटन. और आग भी गया मेरा. ओ माय गॉड, सो लेट्स स्टार्ट हॉगिंग. ये काफ़ी बड़ी थाली है. आई थिंक इट्स गुड फॉर 4 to 5 पीपल. And if you have a diet like my 4 or 5 people, and if you have a diet like a typical Hyderabadi person, तो ये दो लोग भी खत्म कर देंगे. तो देखते हैं कैसा है. थैंक यू. ये कौन कौन सी चटनी है? टमेटो चटनी, गार्लिक मिंट. ओके थैंक यू. कौन सा नींबू भी मिलेगा मुझे? लेमन, लेमन या. तो ये मेरा काफ़ी बड़ी थाली आ चुकी है. हाउ मच इज दिस कॉस्ट? सो दिस इज़ फॉर 999, इट्स अराउंड 1000 रुपीज़. सब खा कर देखते हैं ये कैसी है. मुझे देख कर ही डर लग रहा है अपनी एपेटाइट का. आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए वरना जो मैं खाऊंगी उसकी कैलोरीज आपको लग जाएंगी. सो लेट्स ईट इट. शुड आई ओपन इट? ऑलराइट. बेस्ट बात ये लगी कि तो नीचे बैठकर खाते हैं. मुझे नीचे बैठ के खाना बहुत अच्छा लगता है. जो ये होता है कारपेट, इसका अगली दस्तरखान बोलते हैं, जो काफ़ी आप देखोगे मुस्लिम हाउस होल्ड में बहुत यूज़ होता है, स्पेशली मेरे घर में, स्पेशली इन रमज़ान एंड एंड स्टफ. तो ऐसे बोलते हैं दस्तरखान. और नीचे बैठ के खाना बहुत अच्छी बात भी होती है, टिपिकल इंडियन स्टाइल में खाना तब खाते हैं. सो दिस थाली इज़ लाइक कि ऐसी थाली जो ये बाहुबली भी ना खा नहीं पाए पूरी. ठीक है, आई एम श्योर. तब खा के देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें. सो इतने मटन में मुझे इन्होंने दिए हैं मटन चॉप्स, रिब्स एंड एवरीथिंग इन मटन. दे गॉट 5 पीसेस इन मटन. इनकी स्पेशलिटी ये है एंड व्हाई इट इज़ नॉट लाइक बिरयानी इज़ बिकॉज बिरयानी में जो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, इसमें स्पाइसेस काफ़ी कम है, इसलिए ये मंदी कहलाता है. और जो चिकन है और सॉरी जो मटन है और जो चावल है वो साथ में प्रिपेयर होता है इन बिरयानी पर. इन दिस वन जो मटन है वो अलग से एक अर्दन पॉट जैसा कि आपने देखा उसमें प्रिपेयर होता है बिल्कुल अलग से, काफ़ी अच्छे से स्पाइस से. और चावल अलग स्पाइस. खा के देखते हैं क्या है. मैंने बहुत बोल दिया. सो दीज आर नॉट द टिपिकल चावल. इसमें काफ़ी कैरमलाइज्ड अनियन जो है, भुनी हुई प्याज है, इसमें शायद किशमिश भी है जो काफ़ी इसे हल्का मीठा टेक्सचर देती है. मतलब बहुत मीठा नहीं क्योंकि ये भी एक्चुअली बहुत अच्छे से कुकड है. तो जब कि मुंह में आएंगे ना इट विल गिव यू सॉर्ट ऑफ बर्स्ट ऑफ स्वीटनेस. देन में काजू है, बादाम है, इट्स वेरी रिच. दे आल्सो गिव मी मटन ब्रॉथ. आई कैन पोर इट ऑन और नॉट, बट मुझे अभी नेचुरल टेस्ट ट्राई करना है तो मैं नहीं कर रही. अब थोड़ा मैं मटन ट्राई करके देखती हूँ कैसा है. इट्स सुपर सॉफ्ट. द मटन हियर इज सो सॉफ्ट. ये बोटी है, इसके ऊपर से ऐसे ही इसको निकल जाता है. ये मुझे कुछ एफर्ट नहीं लेना पड़ता इवन इन चूइंग. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द मटन. जो मटन आप हमेशा जज कर सकते हो कि वो कितना अच्छा है, इवन द रिब्स और लैम शैंक यू आर हैविंग और एनीथिंग, हाउ सॉफ्ट इट इज़. और वो बोटी से कितनी जल्दी निकल जाता है. तो ये उसमें लाजवाब है. एंड फॉर रुपीज़ 1000 इसे 4-5 लोग आराम से खा सकते हैं. तो 250 पर पर्सन पड़ेगा. सो वेर एवर यू आर इन हैदराबाद यू गॉट ट्राई दिस आउट. इफ़ यू आर वॉचिंग इन दुबई तो दुबई में भी ये मिलता है. मतलब ये जगह पर नहीं, ये मैंने दुबई में भी देखा है. सो गुड. और क्या खाऊं? हमने खीरा वगैरह भी दिया है. हमें चटनियाँ दी, मैम जो लाल है टमाटर की चटनी इसमें थोड़ा डालते हैं और थोड़ा ये वाली चटनी डालते हैं. लाल वाली चटनी मैम टमाटर है और भरपूर गार्लिक है. तो गार्लिक का आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा. सो इफ यू लाइक गार्लिक यू कैन ट्राई इट. पर चावलों की तो मुझे बेस्ट बात ये लगी कि उसमें किशमिश का टेस्ट आ रहा है. आई एम जस्ट लविंग इट. किशमिश इज बेस्ट. और मैं थोड़ा और मटन खाती हूँ यार. खूब सारा मटन है. मटन नहीं मटन खाओ मटन.
सब्सक्राइब करो यार, मजा आ गया। चलो मैं खाती हूँ। जानते हैं कि लोगों को क्या लगता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है और मैं यहाँ पे मटन मंदी खाने के लिए आया। मटन जूसी मंदी जो यहाँ पे सबसे फेमस और सबसे बढ़िया मिलता है हैदराबाद में, वन ऑफ द बेस्ट मिलता है। आप हैदराबाद के हैं? बिल्कुल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैदराबाद। अरे वाह, तो आपको बेस्ट लगता है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, अनडाउटेडली यहाँ पे कुछ चीज ऐसी नहीं है जो बेकार जो है, और मैं कभी डिसअपॉइंट होता नहीं यहाँ पे आके। बहुत खुश हूँ, लाइक एवरी पेनी इज वर्थ स्पेंडिंग ओवर हियर। सब तेलुगु आती है आपको? हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत आ जाती है। चला मांजी गोंदी? चाला मंची गोंदी, चाला मांजी गोंदी, यस ठीक है। ఇది తింటే హెల్తీ కూడా మంచిగా ఉంటది, హెల్తీ होता है मतलब। हाँ हेल्दी भी होता है। देख रहे हो भाई को अपने? देख रहे हो? जी जी सर। और हाँ खाने पे भी ठीक है, और जो पैसे खर्च करोगे उसका पूरा उसूल करने का पूरा नुस्खा यही है कि मंदी खाओ। बिल्कुल मंदी खाओ, बैठ के खाओ, फैमिली टाइम, फ्रेंड टाइम। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर मैं हैदराबाद में रही तो ये लोग मुझे खा खा खिला खिला के इतना मोटा कर देंगे, इतना मोटा कर देंगे, मैं उस दिन फट जाऊंगी लिटरली। जो कमेंट्स बोलता है ना, खा खा के फट जाएगी, वो रियल हो जाएगा मेरे साथ। पर तो खाना इतना ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब जब मेरा पेट भरा होता है ना तब भी आपको मन करेगा कि थोड़ा और खा ही लेते हैं, कि अब ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा तो और खा लो खा लो खा लो। क्योंकि जो तो फ्लेवर्स होते हैं वो इतने एडिक्टिव होते हैं, जो उनका टेस्ट होता है, जो उनके फ्लेवर होते हैं, जो उनका मटन का टेक्सचर था वो इतना ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली जो चॉप्स का था, लव्ड इट। तो आप जब भी इधर आएँ ज़रूर खाएँ ये वाली जगह। और कमेंट करके मैंने उनसे बात करी कि आप ये दिल्ली में भी खोलो, इतना ज़्यादा अमेजिंग है ये डिश के बारे में कोई जानता नहीं, और इतनी ज़्यादा अमेजिंग डिश है, नीचे बैठने का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि अगर लोग कमेंट करेंगे दिल्ली में खोलो तो मैं ज़रूर खोलूँगा। तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएँ कि ये जगह उधर खोलनी चाहिए। सो दिस इज़ 36 मंडी, ये इनका मेन्यू, इनके पास काफ़ी और भी सामान है। जो एक मुझे ये भी बड़ा कूल लगा, जो फुल लैम्ब है। तो अगर आप इधर कभी हैदराबाद में और आपको फुल लैम खाना, तो आपको जो एक दिन पहले इसका प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। तो डोंट फॉरगेट दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। तो जब भी आप इधर आए आप ज़रूर खाएं 36 मंडी से लैम मंडी। वैसे उनके पास चिकन में भी होती है, लैम में भी होती है, और उनके पास वन पर्सन के लिए भी होती है, जो थोड़ी छोटी होती है, वन पीस होता है। और जो ये वाली है ये अराउंड 4-5 लोगों के लिए है। पर अगर आपकी डेट अच्छी है तो यार अकेले भी खा जाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। सो विद दिस इट्स अ रैप। मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब मैं लगा रही थी तो मेरा चालान हो गया मेरे ड्राइवर का, और कि ट्रैफिक पुलिस ने उसका लाइसेंस ले लिया। सैड फॉर हिम, हैप्पी डे फॉर मी, क्योंकि मैंने खाई बिरयानी। तो विद दिस इट्स अ रैप, बाय।